अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस ब्रांड के बारे में मैं बात करने लगा हूँ वो है जी जेनसन। जेनसन कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। काफ़ी ज़्यादा मेरे कस्टमर थे, उनकी डिमांड थी कि इसके ऊपर कोई वीडियो बने, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आज। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तकरीबन जेनसन कंपनी की 3 से 4 माह से भी ज़्यादा हो चुका है आनी ही बंद हो चुकी थी। जब से इम्पोर्ट बंद हुई थी हमारे पाकिस्तान में, मतलब तो कोई भी चीज़ें ना आ सकती थी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जा सकती थी, इम्पोर्ट का काम बंद हुआ था। तो 3-4 महीने बाद जेनसन कंपनी की चीज़ें दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई हैं, तो वो हमारी शॉप पर भी आई हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में मैं बताऊँगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो बताऊँगा। इसका ऑफिशियल जो है पूरा अगर आप रेंज करते हैं तो वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार की रेंज में अब जा चुका है, ठीक है ना। क्योंकि पहले इसकी वाइटनिंग क्रीम तकरीबन 35-36 सौ की थी, 3600-3700 की रेंज में, लेकिन अब ये 7 हज़ार प्लस हो चुकी हुई है जेनसन्स की वाइटनिंग क्रीम, वो डे में या नाइट में। तो इसकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले मेरे हाथ में है जी इसका स्क्रब। इसकी बॉटल मैं दिखा दूँगा, ये 200 ml है, ठीक है ना, जेनसन कंपनी का, मेड इन जर्मन है। अगर आप बैग पे देखेंगे तो इतनी दूर से जूम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप कहीं से परचेज़ करेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को देख सकते हैं। मेड इन जर्मन जेनसन कॉस्मेटिक्स, इनके स्पेलिंग्स भी देख लिया करें, क्योंकि जो मेन ओरिजिनल कंपनी है वो जेनसन कॉस्मेटिक्स है, ठीक है ना। और जॉनसन भी निकल आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की निकली हुई है इनकी कॉपी करके। ये इसका इंटेंसिव फेस स्क्रब है, इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। ये इसकी पैकिंग है, तो सिंपल सी बात है, पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में अगर सबसे महंगा ऑफिशियल है तो वो जेनसन कॉस्मेटिक्स का है, ठीक है ना। इससे ऊपर किसी भी कंपनी का कोई भी ऑफिशियल है उसकी रेंज यहाँ तक नहीं और उसका रिज़ल्ट भी यहाँ तक नहीं। इस कंपनी की सबसे अहम और जो मज़े की बात है जो मैं बताना चाहूँगा, इसका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं, और दूसरा ये कि ये चीज़ें आपके चेहरे पर लाजमी असरअंदाज होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, क्योंकि इसमें जो मटेरियल ऐड हुआ हुआ है, जो केमिकल्स तो कुछ भी नहीं है इसमें, जो मटेरियल बेस इस्तेमाल हुई हुई हैं वो पहले तो आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयर करेंगी, आपकी स्किन को तरोताज़ा करेंगी, आपकी स्किन को नशोनुमा देंगी, ठीक है ना, मतलब आपकी मेंटेनेंस करेंगी स्किन की, सीधे लफ्ज़ों में, ठीक है ना, रिपेयर करेगी। उसके बाद फिर ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू होते। तो ये सबसे पहले आपके पास सामने मैंने स्क्रब रखा हुआ है। स्क्रब अगर आपने अच्छा करना है तो जेनसन कॉस्मेटिक्स के अलावा कोई भी नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनियों के स्क्रब हैं, लेकिन ये दी बेस्ट है। इसके बारे में मैं लंबी चौड़ी वजाहत नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ ही इतनी कॉस्टली है और इतनी कामयाब तरीन प्रोडक्ट्स हैं इसकी कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, और इनके बारे में जितना बताऊँगा उतना ही कम है, ठीक है ना। अगर बस सिंपल अल्फाज में यही कहूँगा, अगर आपने सबसे अच्छा स्क्रब यूज़ करना है तो वो जेनसन कंपनी का है, किसी भी शॉप से आप परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस भी मैं आपको इसका बता दूंगा तकरीबन, लेकिन प्राइस बताते हैं तो वो कुछ कस्टमर होते हैं वो डिमांड करते हैं कि जी पहले आपने वीडियो में ये प्राइस बताए थे तो अब आप मतलब चीज़ के रेट और हो गए हैं, चीज़ों के रेट बढ़ते रहते हैं। कुछ दुकानों पे पुरानी चीज़ें पड़ी हों वो पुराने रेट पे देते हैं, जिनके पास नहीं हो वो नए पे देंगे। जैसा कि सिंपल मैंने बताया कि जेनसन की क्रीम जैसा कि 3500 से 3600 की सेल आउट हो रही थी, अब वो 7 हज़ार से ऊपर हो गई हुई है। इसमें दुकानदार का कसूर नहीं, चीज़ें पीछे से महंगी आती हैं, इसलिए मैं इसके प्राइस नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ों के मतलब टोटल आपको बता दूं, अगर आप इसकी रेंज कंप्लीट करना चाहें तो वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार की हो जाती है। सबसे पहले स्टेप मैंने आपको इसका स्क्रब दिखा दिया है, उसके बाद इसकी मैं आपको दिखाऊंगा जी ब्राइटनिंग फेस क्लिंजर। इस पैकिंग में आएगा, थोड़ा सा ग्रे पैकिंग होगी इसकी, ठीक है ना, जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाइट होगी। ये आपके सामने है जी, ठीक है। सेकेंड ब्राइटनिंग फेस क्लिंजर, दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर वही बात करूँगा कि अगर आपने सबसे अच्छा क्लिंजर कोई लेना है तो वो जेनसन कॉस्मेटिक्स का ले, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं। मैं सिर्फ आज इतना ही बताऊँगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको रेंज का इशू नहीं है, जो कहते हैं ये चीज़ जितनी मर्ज़ी महंगी हो लेकिन अच्छी हो, तो ये उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं जेनसन कॉस्मेटिक्स की। अगर आपने बहुत अच्छा क्लिंजर करना हो तो आप ये वाला क्लिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप टू पे इसका क्लिंजर मैंने आपको दिखा दिया है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बस बताऊंगा। स्क्रब भी हो गया, क्लिंजर भी हो गया। थर्ड पे इसकी आ जाएगी जी
मसाज क्रीम, रिलैक्सिंग मसाज क्रीम, इस तरह की बॉटल है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। पंप सूरत में होगी ये चीज़ इसकी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में भी वही बताऊंगा कि अगर आपने दी बेस्ट मसाज क्रीम करनी है तो वो जेंसन कॉस्मेटिक्स की है। ये आपके सामने इसकी पैकिंग में रख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका रिजल्ट है। तरीकाकार तो सबको इसका पता होता है कि फेशियल को स्क्रब कैसे करना है, मसाज क्रीम का क्या काम है, क्लिंजर का क्या काम है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो के लास्ट पे। दी बेस्ट अगर मसाज क्रीम करनी है तो जेंसन कॉस्मेटिक्स की रिलैक्सिंग मसाज क्रीम। थर्ड पे आ जाती है जिसकी डे एंड नाइट क्रीम, ये जो पैकिंग आपके सामने है। अब इसकी पैकिंग चेंज हो गई है, पहले गोल डिबिया में आती थी, अब ये जैसे ये बड़ा पंप है इसी शक्ल में इसी सूरत में छोटी सी इन्होंने काट दी हुई है ये वाली, ठीक है ना। ये डे एंड नाइट है, ब्राइटनिंग डे प्रोटेक्शन और नाइट प्रोटेक्शन। नाइट इसकी सेपरेट है, वो शॉर्ट है, वो हमारी शॉप पे मौजूद नहीं। जो चीज़ें आई हैं मैं उनके बारे में बताने लगा हूँ। मेन चीज़ें इसकी ये हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका मास्क का डब्बा आ जाता है, जिसको आप मड मास्क बोल सकते हैं, वो एक बड़ा पैकिंग होती है इस साइज़ की, उसमें 10 पैकेट होते हैं साशे, ठीक है ना। तो कुछ पूरा डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, पार्लर वगैरह पे तो पूरा ही चलता है, लेकिन लोग सिंपल भी लेते हैं। उसके अलावा वाइटनिंग एम्प्यूल्स भी होते हैं, वो भी हमारी शॉप पे फिलहाल मौजूद नहीं। चाहे मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं, डे एंड नाइट क्रीम, इसका स्क्रब, इसका क्लिंजर और इसकी मसाज क्रीम। अगर आपको रेंज का इशू नहीं तो इससे अच्छा फेशियल ना तो पूरी दुनिया में है, ठीक है, और ना इससे बेहतर रिजल्ट कोई देगी कंपनी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका रिजल्ट है। आप लाजमी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एड्रेस भी बता दूंगा, अगर आपको इजीली कहीं से नहीं मिलती तो आप हमारे से ऑनलाइन भी ये मंगवा सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हैं तो वो डिलीवरी चार्जेस आपको सेपरेट लगेंगे। अगर आप हमारे शहर हाफिज़ाबाद से हैं तो आपको डिलीवरी इसकी बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है ना। आप नंबर भी मैं अपना बता दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे डिटेल लेना चाहे या कॉल करके लेना चाहे तो आप किसी भी वक्त हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। जेंसन कॉस्मेटिक्स आउटस्टैंडिंग चीज़ है, आप लाजमी अगर आपको अफोर्डेबल है तो इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ये टोटल चीज़ों के बारे में मैंने इसकी बताया आपको, ठीक है ना, जो ज़रूरी हैं। फजूल चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं, कुछ इसमें फजूल चीज़ें हैं अभी, फजूल तो नहीं है लेकिन उनका इतना फ़ायदा नहीं ये कह ले। मेन जो चीज़ें हैं वो यही होती है, स्क्रब होता है, मसाज क्रीम होती है, क्लिंजर होता है, तीन मेन चीज़ें ये, बाकी डे एंड नाइट क्रीम होती है। तो स्क्रब की वजाहत भी मैं यही करूंगा कि आपको पता है कि इस्तेमाल किस तरह करते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर तरीका बताएं। नॉर्मली तरीकाकार इस्तेमाल का इनका वही है जो दूसरे फेशियल्स का होता है, नॉर्मली जैसे वो इस्तेमाल करते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है, अगर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं तो करें, कोशिश करें किसी अच्छी शॉप से लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि चीज़ ओरिजिनल है। तो इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी सेपरेट इनकी एक एक चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह, ठीक है ना। पहले मेरी वीडियो ये थी कि मैं प्रॉपर आपको बता दूं कि इसकी कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी नेक्स्ट मैं आपको बताता जाऊँगा। फिर भी रेंज मैंने आपको बता दी, अगर आप इसका पूरा फेशियल लेना चाहें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये चला जाता है, जिसमें इसका क्लिंजर आता है, मड मास्क आता है, मसाज क्रीम आती है, डे एंड नाइट क्रीम आ जाती है, वाइटनिंग एम्प्यूल्स की डिबिया आ जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप सेपरेट कुछ चीज़ें लें तो वो फिर और रेंज बन जाती है, लेकिन तकरीबन इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। एक एक चीज़ का मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब वीडियो के बाद चीज़ें आप परचेज़ करें तो फिर इंसान का माइंड वहीं पर सेट होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये डे क्रीम है, अगर आप 4 माह पहले इसका वीडियो किसी की भी देखेंगे तो वो यही बोलेंगे 3000, 2800, 3500, 3600, लेकिन अब ये हमारी शॉप पे तकरीबन आपको 7000 से ऊपर ही मिलेगी। नीचे 1 रुपये का भी ना सोचें, 7000 समथिंग 400 या 500 ऊपर ही होंगे इसके। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैं दूसरी चीज़ों के मैंशन नहीं कर रहा प्राइस। तो फिर भी आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, एक दो शॉप पे विज़िट करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा शॉप के ऊपर कितने की चीज़ दे रहा है, जहाँ से आपको रीज़नेबल लगे और पता हो कि चीज़ एक नंबर है तो वहाँ से ये परचेज़ कर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी, और जो मैंने आपको बताया डिटेल, इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं इसकी।